प्रधानमंत्री ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। आतंकवाद को बताया दुनिया के लिए बड़ी चुनौती। आतंकवाद की अपनी अपनी परिभाषा पर जताई चिंता। इसराइल से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा पहला विमान। ऑपरेशन अजय के तहत लाए गए 212 भारतीय। विमान में लोगों ने लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। ये तिरंगे की बढ़ती ताकत है, ये भारत के बढ़ते कदम है। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, मददगार बना है। हवाई हमले के बाद गाजा शहर पर अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल। आम लोगों को गाजा शहर खाली करने का अल्टीमेटम। हमास के लोगों से शहर नहीं छोड़ने की अपील। इसराइल में न्यूज 18 इंडिया की जाबाज रिपोर्टिंग। गाजा के सबसे करीब पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल। ग्राउंड जीरो से युद्ध की पल पल की रिपोर्ट। हमला किया जा रहा है, रह रहकर धमाके की आवाज आ रही है और हर तरफ इसराइल के लोग तैनात है, इसराइल की सेना तैनात है। मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में 14 अक्टूबर को IOC के 141वें सेशन का आयोजन। 40 साल के बाद भारत में आयोजित हो रहा है IOC का सेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। IOC अध्यक्ष थॉमस बाख ने रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की तारीफ की। कहा रिलायंस फाउंडेशन का काम ओलंपिक्स मूल्य और उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 2023 के पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किया ऐलान, दिसंबर में 11 खिलाड़ियों में से चुना जाएगा विजेता। विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले रंगारंग आयोजन की तैयारी। अरिजीत सिंह और शंकर महादेवन समेत कई हस्तियां करेंगी परफॉर्म। न्यूज 18 इंडिया पर महामुकाबले की सबसे बड़ी कवरेज। जीतेगा भाई जीतेगा। सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर खेल की दुनिया का। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।